उलमाए किराम, सामईन हजरात और हमारी पाकीज़ा माँ और बहनों, आज इस जलसा में आप लोगों से सिर्फ दो मिनट का मुझे गुफ्तगू करने का हुक्म हुआ है। मैं आप लोगों से दो चीज के बारे में बोलना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार यहां पर हम लोगों के खिलाफ में जो एनआरसी सीए और एनपीआर लागू किया है, उस सिलसिले में आपके लिए उलमा कराम लड़ रहे हैं, जिम्मेदार लोग लड़ रहे हैं और आपका खादिम, आपका बेटा इजहार अस्पी की तरफ से भी एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ है जो आप लोगों को शायद पता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कल 22 तारीख को जो मुकदमा का सुनवाई हुआ उसमें हिंदुस्तान का मौजूदा सरकार चार सत्ता का मौलक लिया है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि उस चार सत्ता में वो जवाब ऐसा दे कि हमारे हक में, हमारे केस के हक में, हमारे मुल्क और मुल्क के हक में और हमारे इस मुल्क के आईन और कानून के हक में फैसला हो। बस यही हम लोगों को अल्लाह से दुआ करनी है। मेरे दोस्तों, आज उलमा को सुनने के लिए आप लोग आए हैं, हम लोग तो सियासी लोग हैं, फिर भी चंद मिनट गुफ्तगू करने के लिए मिला। मैं आप लोगों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस सरजमीन से, इस सीमांचल से तमाम केस जो हुआ है 143 केस, उस केस के बारे में अल्लाह से दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से हमारे हक में अल्लाह ताला फैसला करे और दुश्मनों को ऐसा चीज गिराए अल्लाह ताला कि दुनिया देखे। वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।